तो ये देखे जी, बच्चे हो गए हैं रेडी स्कूल में जाने के लिए। और आज कहीं का टेस्ट है? मम्मी मेरा तो मैथ का, साइंस का, और मेरा इंग्लिश का, कंप्यूटर का। और तेरा भाई? मेरा मैथ का। अरे यार, ऐसा पैर जूते की नहीं पहनने? गन्ने हो रहे, गन्ने हो रहे। अच्छा, चलो ठीक है, जाओ आराम से। हाँ, आदि तन्ना बैग फाड़ लिया यो। तो ये देखिए जी, हम यहाँ पर बैठ गए थे रिक्शा में, और आज जाना है हमें बुलाना है दोनों को। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग में एंड तक। हम पहुंच गए थे बुढ़ाना, और मैं पहुंच चुकी हूँ चूड़ियों की दुकान पर। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ हैं। तो मुझे लेने हैं कड़े नॉर्मल से डालने के लिए, मतलब सूट अगर डालना है तो उसका अच्छे लगे। तो देखते हैं अभी लेंगे, जैसे भी अभी पसंद करेंगे। अभी तो हम दुकान पर तो खड़े हुए, और उधर हाँ बेटा सही लगा लो, 220 के नहीं है ये। ये चार वाले दिखाए थे, 150 के थे, ले लेते। चार वाले दिखाए थे नहीं अभी? लो भाई, लो रेट लगाओ, लो रेट लो। कितने पैसे हो गए सारे? ये अभी तो मेरी साथी है, तो मेरी दुरानी जानना कोई और। रिव्या जितने निकाल के पहनो, ये वाली ने बैग में डाली। टाइट आवेगी ये तो, और दिखा दो तुम सैंडल, दिखा दो ऐसे नहीं, दिखा दो मैं कब कैसे बंद बंद होगी तो बंदी है, खुली होगी तो सैंडल हो जाएगी। बंदी दिखा दो, बंदी है ना, जींस भी चल जाए वैसे भी थोड़ी चलना है। फिर उसका खरीदा भी जाने का बाल छोटे होंगे ना, तो जी सर जींस तो भी अच्छा लगेगा इसका। तंदे नहीं तो सिंपल चप्पल पहनेगा। एक काम करिए, मम्मी ले जाइए, चलो मम्मी को दे दीजिए। चूड़ी खरीदने के बाद हम पहुंच गए थे सेंटर अलग की दुकान पर, क्योंकि रविया के पास कोई सैंडल नहीं थी। ये जूते लाई थी अभी अपने मम्मा के, गई थी जब सर्दियों में जनवरी में, और ये भी बेकार कर दिया क्योंकि ये डेली यूज में पहनती है। तो ये देखियो सैंडल कैसे लगे, रविया के कमेंट करके ज़रूर बताना, और अपने लिए भी लेना है मुझको, दिखाएंगे वो भी। अभी देखते हैं, पहले रविया के सैंडल सेलेक्ट कर ली, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था ना कैसे लिए जावे। तो जो ये पहन रही है, ये कैसे लग रहे हैं आप सब कमेंट करके बताना। और यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बच्चों के सैंडल और जूती थी, और बड़ों के भी। तो ये बड़ी दुकान थी, यहाँ पर सभी का साइज मिल जाता है, और अच्छे से अच्छी क्वालिटी की सैंडल और चप्पल मिलती है यहाँ पर। ये वाली नमकीन दे दो भैया को, 10 की दे दो। ये जिद कर रही, रो रही है, सामान नहीं खरीदना है। अब गिराना दी बेटा, इधर नहीं वापस।
और पसंद फटाफट। इस तरह पंजाबी सूट का तो देर में ढूंढती थी पहनने जाऊँ। यहाँ पर हम पहुँच गए थे कपड़े वाले की दुकान पर और यहाँ पर मिलते हैं कट पीस में कपड़ा, जैसा भी चाहिए सब तरह का मिल जाता है, लेकिन हमें नहीं मिला था क्योंकि वो थोड़ा अलग सा था कपड़ा, इसीलिए क्योंकि मुझे चाहिए थे ब्लाउज का कपड़ा और फिर मेरे को ना आगे से ही लेना पड़ा था गोल्डन कलर का, यहाँ से भी लिया था मैंने, दिखाऊंगी मैं उसको भी आपको आज के भी लोग मैंने अगर मिला ना तो कल को दिखाऊंगी सब कुछ। तो ये देखना यहाँ पे सभी मतलब कट पीस में कपड़े खरीदने वाले ही खड़े हुए थे और बहुत अच्छे अच्छे फ्रॉक देख कर ना सामान कराए मार्केट में, तो रविया के लिए फ्रॉक ले लूँ लेकिन रविया के हो गए हैं बाल छोटे। रविया के लिए तो मेरे को पैंट शर्ट ही लेनी पड़ेगी, टी शर्ट कोई अच्छी थी और जीन्स वगैरह ही। और हम ख़रीदारी करने के बाद आ गए थे रिक्शा स्टैंड पर, तो अभी यहाँ पर कुछ खाने के लिए देख रहे थे कि बच्चों के लिए क्या लिया जाए खाने के लिए, देखते हैं क्या लेंगे वो भी आप सबको आगे व्लॉग में पता लग जाएगा। सही लगा लो डालेगा तो मुझे पता, ये करी माँ दोनों वो तो मुझे पता, सौदेबाजी वाली तो हम बताते ही नहीं भैया। इतने सारे जो रखे ना सब ऐसे हुए जैसे आपको दिखाया, कलर अलग अलग दिखा दो। तो देखे जी हम यहाँ पर आए थे कॉस्मेटिक की दुकान पर सामान खरीदने के लिए, कितनी अच्छी अच्छी चूड़ियाँ यहाँ पे, और ये देखो इधर सभी सामान मिला यहाँ पे। तो यहाँ पर आ गए थे हम हलवाई की दुकान पे और यहाँ पर चीकू को खानी थी चार। हाँ बेटा पानी पीना, हाँ पानी भी पिला लेंगे, तो इसको खानी है चाट है बस बहुत है बेटा, रोते नहीं देखिए रहे देख समोसे। तो ये देखिए जी समोसे ले लिए थे हमने, हाँ 4 बज गए और चीकू की लगी हुई है बहुत तेज भूख, तो इसको खानी थी चाट, तो इसके लिए ले ली चाट है भाई। चीकू ने चाट खानी शुरू कर दी रिक्शा में बैठते ही, और इधर रविया ने बाहर नहीं खाना करते, वैसे यहाँ धूल मिट्टी उड़ा है गंदी बात हो है, बाहर नहीं खाना चाहिए ऐसे। हर चीकू तू तो बहुत जिद करे है, सड़क पे तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए खाना, बाहर की धूल मिट्टी बैठे है ना फिर बीमार हो जावे बच्चे, घर पे जाकर खानी चाहिए ठीक है। खरीदारी करने के बाद अब हम वापिस हो लेते घर की ओर, तो रिक्शा में बैठे हुए थे, अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे घर, मिलते हैं घर जाकर। तो ये देखिए जी हम समोसे लाए थे और हमारे समोसे ना ये रिक्शा में बिछ गए, बहुत सारी पन्नियां हो गई हो रही थी ना, सामान भी दिखाएंगे और भीड़ हो रही थी रिक्शा में बहुत ज्यादा, और सारे बच्चों को हमने बिठा दिया एक जगह। हाँ देखा देखो बच्चे तो हमारे बिखरे फिर है, एक समोसा तो चलो खा लो, जो उनके बच्चे आने उनके लिए रख दो बाद में खा लेंगे, मैं जो मौके पे हमें खा लो अब जा, जो बाहर जा रहे हैं ना ये बाद में खा लेंगे।